खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। खबर 9 से बातचीत में हकीमुद्दीन शमसी, जो कि एक शिक्षक भी हैं, उन्होंने बताया कि जनसेवा करना है मेरा उद्देश्य है। मैंने अभी तक हजारों लोगों की पीलिया, पथरी, मस्सा, वग्र, सुगर बीमारी का हमारे पुरखों के नुस्खों से ठीक किया है और यह जनसेवा मेरे द्वारा जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि यदि कोई पीलिया, शुगर, मस्सा, पथरी, पगर जैसी बीमारी से परेशान हो तो मुझसे मिले, भगवान ने चाहा तो वो शीघ्र ही ठीक होगा। आपको बता दें कि हकीमुद्दीन शमसी धार जिले के राजौंद गांव के निवासी हैं। आप 1996 से दवाई वितरित कर रहे हैं, तो अभी तक कितने लोगों को पथरी में आराम हुआ है? पथरे में नींद कर रहे 2500 आदमियों को ऑपरेशन से बचाया मैंने, और सबूत है सबके, मेरी डायरी में आता हो तो उन लोगों से फोन पे पूछ सकते हो। मतलब आपने 2000 लोगों को पथरी से बचा चुके हैं? ऑपरेशन से बचाया, ऑपरेशन से बचाया। अभी तक आपने पीलिया की अभी तक एक भी फेल नहीं हुई, एक भी फेल नहीं। पीलिया के करीब करीब 10,000 आदमी, 24 साल में 10,000 आदमी पीलिया के अच्छे हुए, पीलिया के बच्चे हुए 10,000 आदमी। आपका नाम क्या है? हकीमुद्दीन शमसी जी। हकीमुद्दीन शमसी, हकीमुद्दीन। अच्छा, शिक्षक रहे? शिक्षक रहे हैं। आप ये कब से दे रहे दवाई? रिटायर हुआ 15 मई 1996 से, जब से दे रहा हूँ अभी तक। कानवन से कैमरामैन दीपक पवार के साथ विशाल राव निक्कम की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।